आज शनिवार शाम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें 14 जून तक जारी रहेगी। वहीं राज्य में अभी बसें शुरू करने को लेकर फैसला नहीं लिया है। वहीं सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक सभी दुकानें पहले की ही तरह खुलेंगी। बता दें कि पहले मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह होनी थी, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन के चलते बैठक टाली गई। कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला भी लिया है कि अस्पतालों से घर लौटे कोरोना संक्रमितों के लिए टेलीफोन पर परामर्श सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ये फैसला भी लिया है कि स्वास्थ्य विभाग सीधे वैक्सीन उत्पादकों से अधिक टीकों की खरीद के लिए और विकल्प तलाशेगा। इससे पूर्व मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के विधानसभा क्षेत्र जुब्बलकोट खाई के मुख्य सचेतक एवं विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट ने विशेष रूप से राज्य में नरेंद्र बरागटा के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। दूसरी तरफ हिमाचल में केंद्रीय बोर्ड की तर्ज पर राज्य में 12वीं कक्षा के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। आज शाम को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बोर्ड के फार्मूले से अंक मिलने के बाद संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थियों को हालात ठीक होने के बाद परीक्षा देने का मौका भी जयराम सरकार देगी।